खबर राजधानी देहरादून से है, जहां दून अस्पताल से स्थानांतरित हो चुकी 20 नर्सों को अस्पताल प्रशासन ने हॉस्टल में दिए गए आवंटित कमरों को खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस भेजा है। वहीं इस मामले में सीएमएस अनुराग अग्रवाल का कहना है कि इन नर्सों को 2 महीने पहले ही कमरों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है और अब तक कमरे खाली नहीं किए गए हैं, जिसके चलते जो नया स्टाफ अस्पताल प्रशासन की ओर से रखा गया है उन्हें कमरे खाली ना होने के चलते आवास आवंटन में प्रशासन को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि नर्सों की ओर से अस्पताल द्वारा जारी नोटिस का अवहेलना की जाती है तो प्रशासन को मजबूरन कानूनी कदम उठाना पड़ेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ देखिए, बिल्कुल, एक आवास प्रोवाइड कराना हम लोग का एक दायित्व है, जो भी यहाँ कर्मचारी काम करता है। उस क्रम में बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग वाली कुछ हमारी सिस्टर्स हैं, जिनका ट्रांसफ़र कोरोनेशन हॉस्पिटल या अन्य जगह किया गया है, उन्होंने अभी तक भी काफ़ी नोटिस के बाद खाली नहीं किया था, तो उनको कल एक फाइनल नोटिस दिया गया कि 7 दिन में खाली करिए, वरना जो रूल थे एक आपके सेवा के, उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग हैं? ये लगभग 20 सिस्टर्स हैं जिनको ट्रांसफर किया गया और अभी तक भी मकान खाली नहीं किया, चूंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके बदले जो भी नए अपॉइंटमेंट आए थे उनको आवाज़ प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है।